यार 16 साल मुख्यमंत्री हो गए शिवराज भैया यार, अब तो इस प्रदेश के नब्ज पहचान ले यार भैया। ये 10 फीट गड्ढे में अपराधियों को गाड़ दूंगा। अबे भांजी गड़ गई रे भैया, भांजे गड़ गए 10-12 फीट गड्ढे में, अब तो रहम कर ले इस प्रदेश में मेरे भाई। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक आज सब यहाँ, सारे लोग चिंतित हैं। हम यहाँ खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री भाई, तेरे पे हमको विश्वास नहीं है, तेरी पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच की मांग, यदि एक पीड़ित परिवार करता है तब भयानकतम हत्याकांड मध्य प्रदेश की उस धरती पे जहाँ नर्मदा कल कल करके बहती है, जहाँ विद्यासागर जी जैन संत का तपोस्थली है, अहिंसा परम धर्म की बात होती है, वहाँ इतना जघन्य हत्याकांड हो गया। हमें न तुझ पे शिवराज भाई, न तेरी पुलिस पे भरोसा है। तू यदि उन 3 अबोध बच्चियों का असली मामा है जिनके साथ गैंग रेप हुआ और हत्या हुई, तो ईश्वर की शपथ लेके एक पत्र लिख दे केंद्र सरकार को कि इस केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए मैं सहमत हूँ। दूसरी बात, नए राज्यपाल जी ने शपथ ले ली है, गुजरात के इसी वर्ग के आते, अनुसूचित जनजाति वर्ग के। आज अखबारों में बड़ा भारी छपा है कि उन्होंने शपथ लेते ही आदिवासी संग्रहालय की तरफ कदम बढ़ाए। वो बीते युग का इतिहास है, बीते युग की कहानी है। जो लोग जीवित हैं राज्यपाल जी, वो आदिवासी भाई बहन आज डरे हुए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि मुख्यमंत्री पर दबाव डालिए, उन आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिले, इसलिए सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री पे आप दबाव डालिए कि तत्काल पत्र लिखे। आज 25 लाख रुपए कमलनाथ जी बोल के गए थे 3 दिन पहले, आज हम सारे विधायक चेक लेके आए, 25 लाख की राशि उस पीड़ित परिवार को दी है। शासन की राशि तो अभी तक आई नहीं है पूरी, हमने तो, चूँकि ये राशि कोई मायने नहीं रखती, हमारा तो कहना सही जांच हो जाए। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ यार, 16 साल मुख्यमंत्री हो गए शिवराज भैया यार, अब तो इस प्रदेश के नब्ज पहचान ले यार भैया। ये 10 फीट गड्ढे में अपराधियों को गाड़ दूंगा। अबे भांजी गड़ गई रे भैया, भांजे गड़ गए 10-12 फीट गड्ढे में, अब तो रहम कर ले इस प्रदेश में मेरे भाई। हम सारे विधायक आए हैं अनुसूचित जाति हमारे हाथ जोड़ गए, ये हाथ जोड़ लिए मैंने, विनती है हम लोग सारे विधायक आज ही पत्र लिख दे केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की, हम फिर मान लेंगे कि यार भैया शिवराज दादा तू असली मामा है, नहीं तो शकुनी मामा और कंस मामा, कोई फर्क नहीं है। आज कितने विधायक नेमार पहुंचे हैं आपके साथ?